इस वक्त हम दिल्ली स्टेट की जानिब से जो कैंप आरसी कैंप हाजी के लगता वहाँ मौजूद है, हम ये जानना चाहेंगे कि हाजी को किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं, क्योंकि दो साल बाद कोरोना के बाद जो ये हाजी इस तरह से जा रहे हैं, आइए हम जानते हैं कि हाजियों से ये क्या मामला है। निज़ाम मैंने देखा है, वाकई में मेरा दिल बहुत खुश हो गया और मैं लोगों से कहता फिर रहा हूँ कि भाई ये निज़ाम मैंने शायद अभी तक, मैं काफ़ी सालों से यहाँ आता रहता हूँ और यहाँ की जो हालात को मैंने देखा है इतना बेहतरीन बनाया गया, ये आपका शामियाना, ये ऐसा लगता है कि ये एसी है और वाकई में एसी है। और मैंने हज भी किया है इससे पहले, तो वहाँ पर जब मीना के अंदर मैं गया तो मीना के अंदर भी छोटे छोटे खेमे हुआ करते थे, ये बड़ा खेमा है वो भी एसी वाला था और ये भी एसी वाला है, किसी बात की तकलीफ़ नहीं है। चप्पे चप्पे पर पानी रखा हुआ है और बेहतरीन खाना है, मैंने यहाँ पर खाना 3 दिन से खा रहा हूँ जब से मैं रुका हूँ, बेहतरीन खाना दिया जा रहा है, बेहतरीन रोटी है। दिल इतना खुश होता है कि मैं अपने बच्चों को फ़ोन करके कहता हूँ बेटा मुझे खाना इतना बेहतरीन लग रहा है ये, कि ऐसा लगता है कि मैं यहाँ रह लूँ और 10-5 दिन। हाँ भाई, ये इंतज़ाम हमारे चेयरमैन साहब के हैं, मैं उनको दाद देता हूँ और उनकी इतनी तारीफ़ करता हूँ कि वाकई में मेरा दिल इतना खुश होता है देख देख कर यहाँ, कि इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। अरे भाई, ये बातों से नहीं होता, ये पैसों से खर्च होता है। उनका इंतज़ाम बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन खाने का निज़ाम, पानी का निज़ाम और यहाँ की सिक्योरिटी बढ़िया और यहाँ बेहतरीन, किसी बात को कोई परेशानी नहीं है। और चेयरमैन साहब का वाकई में काम देखकर मेरा दिल खुश हो रहा है, मैं उनको दुआएं देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इतनी उनकी इज़्ज़त बख्शे, दुनिया के अंदर अल्लाह उनको ताज पहनाए, वाकई में उन्होंने कमाल कर दिया। हाजी बेहतरीन लाजीब, अल्लाह के मेहमानों की खिदमत जो चेयरमैन साहब के ज़रिए हो रही है। मैं भाई साहब यूपी लखनऊ में गया हूँ और राजस्थान में भी मैं गया हूँ, मगर यहाँ आकर मैंने देखा है वाकई में मेरा दिल खुश हो गया, बेहतरीन, दिल्ली नंबर वन। आपकी फ़्लाइट कब की है? 9 तारीख की। 9 तारीख को कै बजे जाएंगे आप? अच्छा, यहाँ जो आप आए इंतज़ाम के बारे में आपने क्या देखा? आपको कोई किसी किस्म की कोई परेशानी या कुछ ऐसा है? आपकी टिकट वगैरह, टीके वगैरह हो गए, सब लग गए, तो आपका सब काम कंप्लीट है? तो इस बार हज कमेटी का जो है, दिल्ली स्टेट हज कमेटी का किस तरह से इंतज़ाम रहा, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ठीक ठाक से, मतलब ये नहीं देखा था लेकिन इस बार हमने देखा है, सही है, अच्छा है। अच्छा इंतज़ाम है, खाने पीने की व्यवस्था कुछ है? कुछ दे रहे हैं खाने को? अच्छा, आप हज पर जा रही हैं, आपकी फ़्लाइट कब की है? 9। तो आपकी टिकट वगैरह, जो टीके वगैरह थे, सब कुछ हो गया? अच्छा, यहाँ स्टेट हज कमेटी के इंतज़ाम में या कोई शिकायत, कोई परेशानी? ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, कुछ के इंतज़ाम कैसा है? बढ़िया। आप ये बताइए, आप हज पे जा रहे हैं, आपको यहाँ कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा है इंतज़ाम आपका। आपको टीके वगैरह लग तो नहीं है दिल्ली स्टेट हज के? आप क्या कहना चाहेंगे, इस बार एसी भी लगे हुए हैं, गर्मी भी बहुत है, तो इस बारे में क्या? चेयरमैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, अलग अलग पर्दा देख लो, उनकी कबीलों जी पूछ भी रहे हैं। हाँ, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा इंतजाम है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हैं? हम सहारनपुर से हैं। आपका टिकट वगैरह हो गई, कब की आपकी टिकट? 10 तारीख। तो आपको यहाँ कोई परेशानी कैंप में किसी भी किस्म की? कोई परेशानी नहीं। आपका नाम सर? मेरा नाम मोहम्मद असलम। आप कहाँ से आए सर? सहारनपुर से आए, ये मेरे वालिद हैं, मैं इनको छोड़ने आए हैं। आप तो यहाँ का जो इंतज़ाम देखो, उस बारे में आपका क्या कहना? माशाल्लाह बहुत बढ़िया। कोई परेशानी तो नहीं हुई खाने पीने में या कोई टिकटिंग में या? और दिल्ली सरकार का एक तो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और जो जितने भी कमेटी के मेम्बरान हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, बहुत। आप कहाँ से आई हैं जी? अलीगढ़ से। तो आपका टिकट हो गया जी? कब है आपकी फ़्लाइट? अच्छा, ये इंतज़ाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोई परेशानी तो नहीं? नहीं, बिल्कुल सही बताइए आपका, ये ऐसा खाने पीने में या यहाँ कूलिंग हो रही है, कूलिंग जी? जी, आप अपना नाम बताएं। मोहम्मद हनीफ है। आप कहाँ से आए सर? जिला रामपुर। अच्छा जी, रामपुर वाले इस बार बहुत जा रहे हैं, रामपुर तहसील गांव। अच्छा, तो आपका कब का टिकट है आपका? टांडा से आप? खेड़ा टांडा एक गाँव है। अच्छा अच्छा, तो कब की फ्लाइट है आपकी? 9 तारीख 8:30।
अच्छा यहाँ के बारे में कोई आपको परेशानी तो नहीं है? कोई परेशानी बड़ी आम है, बहुत अच्छा नहीं। अब जैसे कूलिंग हो रही है कुछ के चेयरमैन साहब रोड मानने पे हैं, बार बार चेयरमैन साहब कहने में भाई कोई तकलीफ हो हमें बताइए, और यहाँ बहुत बढ़िया हिसाब है, खाने पीने का अपना सब कुछ बढ़िया, बहुत बेहतरीन से चेयरमैन साहब ने जो इंतजार करा वो बहुत बेहतर। कहाँ से आए हैं सर आप? अच्छा आपका कब का टिकट है? अच्छा यहाँ के बारे में कोई परेशानी है? जैसे यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, चेयरमैन साहब भी बार बार आ रहे हैं, इनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा दोपहर को आए, टिकट वगैरह सब हो गई आपकी? टीके भी गलत तो लग गए ना। यहाँ जो अभी जो हमारे पास खादिमुल हुज्जाज के जो सदर हैं हाजी इदरीस साहब मौजूद हैं, सर यहाँ जो इस बार इंतज़ाम हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ है माशाल्लाह, यहाँ पे पूरा एयर कंडीशन है, एक एक हाजी खुश है माशाल्लाह। मुख्तार साहब ने बहुत अच्छा इंतज़ाम करा हुआ है, जो कि अभी 40 सालों में हमने कभी नहीं देखा ऐसा इंतज़ाम जी। तो जितने भी हाजियों से भी मुलाकात करके आ रहे हैं सब बहुत तारीफ कर रहे हैं, और ये सारा सेहरा उनके सर पर जाता है। अच्छा जैसे हाजी साहब आप पहले यहाँ पर खाना वगैरह बांटते थे, अब खाना लोग कह रहे हैं कोई शिकार नहीं, और यहाँ पर खाना बांटने को कह रहे थे, उन्होंने टेंडर पास कर दिया था किसी का, इसलिए हम हो गए, तो हमने अब दूसरा रोड इख्तियार करा है। तो इंशाल्लाह यहाँ पर जो है कल से हम हाजियों को शरबत का इंतज़ाम करा हुआ है, तो इंशाल्लाह सारी हमारी टीम जो है शरबत सबको पिलाएगी जितनी भी हाजी करते हैं। अच्छा आज से पहले तो यहाँ कूलर लगा करते थे, इस बार एसी का प्लांट है? वही मैं कह रहा हूँ कि एयर कंडीशन पूरा टाइम लगा है, तो इसके लिए जावेद साहब मुख्तार साहब इन सबके सर के ऊपर सेहरा है इनके, माशाल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम करा हुआ है, और जिस हाजी से पूछ रहे हैं वही तारीफ करता है, कोई कंप्लेंट नहीं है माशाल्लाह। ठीक है, तो हमारा जो है कल से शुरू होगा शरबत का काम, इंशाल्लाह सबको हाजियों को जितने भी जो भी लोग आएंगे वो शरबत का इंतज़ाम करें, इंशाल्लाह कल से शुरू होगा। ठीक, देखा आपने, हमने हाजियों से सबसे मालूम की और हर हाजी ने यही तारीफ की कि इतने सालों से आ रहे हैं या किसी ने सुन देने लगी इस बार उन्होंने चेयरमैन आजकल चेयरमैन डेली स्टेट हज कमेटी के तारीफ की कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और यहाँ पे जो कूलिंग है पहले कूलर लगते थे और इतनी गर्मी में लोगों को इस बार एसी प्लांट लगा हुआ, और यहाँ पर ठंड बताने का ठंड होती है, खाने पीने का सारा इंतजाम है, ताजी रखी इतमान की सांस ली, और कहा कि हमें यहाँ पर परेशानी है, बच्चे अपने चेयरमैन साहब को दुआएं। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।